बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? तो आज चलते हैं हम लोग धनौल्टी जो कि मतलब छोटा सा हिल स्टेशन है उत्तराखंड का, तो वहाँ हम लोग धनौल्टी में आज इको पार्क चल रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं इको पार्क का कैसा नज़ारा होता है जो धनौल्टी में पड़ती है। तो चलिए चलते हैं। धनौल्टी जाने के रास्ते में आपको कुछ ऐसे व्यू मिलेंगे, काफ़ी सुंदर है, आसमान नीला, पहाड़, ऊँचे ऊँचे रास्ते। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है। रास्ते में लैंडस्केप हो गया है, पहाड़ कुछ टूट के गिर गए और हम लोग यहीं पे फंस गए हैं। देखते हैं थोड़ी देर में चल, पहाड़ कुछ टूट के गिर गए थे ऊपर से। ये देखिए गाइस कितना सुंदर व्यू है। धनौल्टी जाने के टाइम पे आपको ऐसे ही एक से एक व्यू मिलेंगे देखने को, बहुत अच्छी व्यू है। हम तो रास्ते में रुक करके हमसे कंट्रोल नहीं हुआ, तो हम सोचे एक बार नजारे अपनी आंखों से देख ले। काफी सुंदर व्यू है, आप भी देख सकते हैं। रियल में आपको और भी ज्यादा सुंदर लगेगा जब आप यहाँ पे आएंगे। देखिए इको पार्क का कुछ बाहर का लुक ऐसा है, इको फ्रेंडली सा फील आ रहा है ना। इको इको नाम भी है, पेड़ ही पेड़ है इधर अंदर में। तो चलिए अंदर चलते हैं, फिर अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। ये देखिए ऐसा रोड है, बहुत अच्छी है सड़क है। अभी हम यहाँ पे हैं और यहाँ हम पहुँच चुके हैं। ये देखिए इधर का कुछ नज़ारा ऐसा है, वो हमारे पीछे इको पार्क है। तो चलिए एंट्री लेते हैं, देखते हैं यहाँ टिकट लगती है, कितना टिकट है, उसके बाद हम लोग अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। फाइनली गाइस तो हम लोग धनौल्टी के इको पार्क में पहुंच चुके हैं। वो रहा बोर्ड। तो फिर यहाँ पे काफ़ी ठंडी भी हो रही है और धनौल्टी में ही गाइस कुछ किलोमीटर आगे जाके सुरकंडा देवी मंदिर आती है, जो कि हम आपको इसके पहले वाले व्लॉग में दिखा चुके हैं। तो चलिए अब हम आपको इको पार्क का नज़ारा दिखाएंगे, कैसा है धनौल्टी का इको पार्क। तो चलिए चलते हैं। पार्क में एंट्री करने से पहले आपको टिकट लेना पड़ेगा। कितना है आंटी टिकट का चार्ज? 50 रुपये पर पर्सन है। तो हम भी टिकट लेते हैं फिर चलते हैं अंदर। टिकट मिल चुकी है तो चलिए चलते हैं अब। देखिए पार्क में एंट्री हम ले चुके हैं, तो देखते हैं आगे कैसा है, क्या है यहाँ का इको पार्क। तो आगे बढ़ते हैं और देखते जाते हैं। तो चलिए मेरे साथ आप भी देखिए। देख रहे हैं आप यहाँ पे ग्रीन ग्रीन काफ़ी है, इको पार्क है। पार्क तो अक्सर ग्रीन ग्रीन होता ही है, यहाँ का हर कुछ ग्रीन ही है। ऊपर के टेबल भी यहाँ की ग्रीन, यहाँ के ग्रासेस भी ग्रीन, हर कुछ ग्रीन। ग्रीन इको पार्क है ये, क्या पता नहीं, देखते और आगे क्या क्या है। यहाँ कुछ एडवेंचर भी मुझे दिख रहे हैं, चलिए दिखाते हैं आपको। ये देखिए यहाँ पे कुछ बच्चों के लिए झूले लगे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, और ऊपर पे ये कुछ मतलब चढ़ने वाला है, इस पर हम ट्राई करेंगे आज चढ़ के कि मैं चढ़ पाती हूँ या नहीं पाती हूँ। देखते हैं चढ़ के ट्राई करते हैं।
गाइज यहाँ पे इको पार्क हम आए तो थे, जितना दिखाया बस उतना ही था इको पार्क में। मतलब ज़्यादा कुछ नहीं है, बस बच्चों को खेलने खेलने कूदने का मतलब वो झूला वगैरह लगा है, थोड़ा बहुत एडवेंचर है एक दो, उसके बाद वो आप कर सकते हैं। बाकी जंगल जंगल सा है, देख सकते हैं हमारे आगे पीछे कितने पेड़ पेड़ हैं, इतना मतलब बस यही है, घूमना है यहाँ पे चारों साइड। तो हम तो घूम चुके हैं बस, मतलब जितना मैंने आपको दिखाया है यहाँ पे इस इको पार्क में इतना ही है, ऐसा कुछ भी यहाँ का इको पार्क में। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप के लिए देखते हैं कि हम लोग कहाँ चलते हैं, तो वहाँ की ओर चलते हैं। फाइनली गाइस, तो मैंने आपको तो दिखा ही दिया कि यहाँ पे इको पार्क का सीन कुछ कैसा था, मतलब कुछ खास नहीं था बट ठीक ठाक ही था, बस इको इको वाला फील आ रहा था, बस ग्रीन ग्रीन ग्रासेस एंड ऐसा कुछ दिख रहा था। तो अब हम यहाँ से निकलते हैं और अब हम चलेंगे लाल टिब्बा के तरफ, तो देखते हैं लाल टिब्बा में क्या मिलता है हमें। तो चलिए हमारे साथ आप भी लाल टिब्बा के साइड चलते हैं। तो यहाँ से हम लोग लाल टिब्बा मतलब इको पार्क से हम लोग लाल टिब्बा की ओर बढ़ चुके आगे, और वापसी में आपको कुछ इस प्रकार के नज़ारे दिखेंगे। नीचे देखिए खाई है, मतलब हम लोग आधा दूर तक पहुंच चुके हैं लाल टिब्बा की ओर, और हमें यहाँ आते आते शाम हो चुकी है, और शाम का नज़ारा कुछ ऐसा है। यहाँ हम लोग अभी मतलब ऊपर जाने वाले हैं लाल टिब्बा के लिए, हमें वहाँ उधर ऊपर जाना है, तो अभी चलते हैं इस ऊपर चल के, उसके बाद फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा क्या है। ये लाल टिब्बा का शाम का कुछ नज़ारा ऐसा है, यहाँ इधर से हमें ऊपर जाना है, काफी चढ़ाव है, तो चलिए चलते हैं। गाइस हम लोग लाल टिब्बा पहुंच गए हैं, और यहाँ से काफी मतलब इधर है, मतलब शाम हो गई है, मतलब देख रहे होंगे आप लोग रात होने वाली है, तो काफी ऊंचाई पे थी तो हम लोग पहुंच गए हैं। ये रहा हमारे पीछे लाल टिब्बा, यहाँ पे कुछ खास नहीं है, बस ऊपर आकर के नज़ारे देखने का है, यहाँ से काफी अच्छी व्यू आती है, तो अब बस आप व्यू देख सकते हैं और कुछ नहीं। ये देखिए गाइस, यही है लाल टिब्बा, अंदर कैफ़े है, मतलब जाके अंदर कुछ खाना होता है, यहाँ हमारी टिकट लगती है, तो टिकट लेकर के उसके बाद फिर हमें अंदर जाना होगा, और अंदर कैफ़े है, जैसे पिज़्ज़ा मैगी आपको जो खाना है यहाँ से आप मंगवा सकते हैं। ये देखिए ये अंदर में ऐसा कुछ नज़ारा, यहाँ से बैठ करके आप नज़ारे का मतलब वो यहाँ पे बैठ के आप कुछ नज़ारों का मज़ा ले सकते हैं, कुछ और कुछ खास नहीं है, बस यही सब है। सभी हम भी चलते हैं अंदर, कुछ खाते हैं, देखते हैं, कुछ ऑर्डर करते हैं क्या अच्छा मिल रहा है यहाँ पे। वैसे तो मतलब दीदी लोग बोली हैं कि हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा खाएंगे, तो देखते हैं चलिए पिज़्ज़ा खाते हैं, तो यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा होता है, तो चलिए लाल टिब्बा में आज हम लोग पिज़्ज़ा ट्राई करेंगे। हम लोग यहाँ पे पिज़्ज़ा ट्राई कर चुके हैं, और यहाँ का पिज़्ज़ा काफ़ी टेस्टी था, आप भी आना तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत टेस्टी पिज़्ज़ा था। तो अभी हम लोग रात भी काफ़ी हो रही है, तब हम लोग अपने होटल के साइड निकलेंगे, क्योंकि मतलब जानते पहाड़ी इलाका में कितना वो डेंजरस होता है नाइट को, तो जा रहे हैं रूम पे। तो हाँ, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हो लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और कौन सा सेक्शन आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा हो वो कमेंट सेक्शन में बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, सब्सक्राइब ज़रूर कर दें एकदम ज़रूर से ज़रूर।